आपकी सरकार आपके द्वार अंतर्गत आयोजित जन मित्र शिविर में जनपद सीईओ और सरपंच की खुली पोल, विकास केवल कागजों पर ही हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपकी सरकार आपके द्वार और जन मित्र शिविर का आयोजन प्रदेश में जगह जगह किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन देपालपुर तहसील में बेटमा क्षेत्र के बजरंगपुरा ग्राम पंचायत में मंगलवार को देपालपुर एसडीएम प्रतुल सिन्हा और अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया, जहां जनपद पंचायत सीओ और सरपंच की पोल खुलती दिखी और यह दिखा बजरंगपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव नयापुरा में, जहां रहवासियों को ना ही रहने के लिए घर देखने को मिलते हैं और ना ही शौच जाने के लिए शौचालय, साथ ही पीने के पानी को भी तरसते लोग देखे गए। दरअसल इन समस्याओं को लेकर पंचायत के सरपंच और सीओ को ग्रामीण पहले भी अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है और विकास केवल कागजों पर ही दिखा दिया जाता है। पत्रकारों द्वारा पंचायत कर सर्वे करने पर पाया गया कि शिकायतों को केवल मजाक बनाकर रख दिया जाता है। वहीं इस मामले में वर्तमान जनपद सीईओ माया बारिया की सबसे ज़्यादा निष्क्रियता पाई गई। वह जहां भी रहती है अपने कामों को लेकर विवादों में घिरी रहती है। वहीं वर्तमान जनपद सीईओ के कार्यालय में कई भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कई पंचायतों के लोग हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को तरस रहे हैं, परंतु सीओ और सरपंच और अधिकारियों की सांठगांठ के चलते हुए भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। ऐसे में जन मित्र शिविर के आयोजन ने फिर इंसाफ के लिए तरसते हुए लोगों में एक उम्मीद जागृत की है। अब देखते हैं सरकार की यह योजना भी केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है या फिर विकास की कोई नई राह बनाती है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। शौचालय तो बने सर, पर अधूरे बने, वो पूरे नहीं बने। फिर महिलाएं शौचालय कहाँ जाती है? बाहरी जंगल है यहाँ। और जो शौचालय बने वो किस प्रकार बने? वो तो खत्म, बेकार हो गए, टूट फूट हो गए। हाँ, जिसमें बैठ ही नहीं सकता आदमी, ऐसे शौचालय बने, ऐसे बंद हो गए, बंद पड़े सब। पंचायत ने यहाँ पर किस प्रकार का विकास करा? विकास बोले तो बस ये खड़े यही विकास दिखा और कोई विकास नहीं दिखा सर इस पंचायत। हाँ बस, ये भी प्रधान, ये भी महाजन कोटे से आए हुए, महाजन कोटा का पैसा लगा हुआ सर। आपका नाम? मेरा नाम अजब सिंह राठौड़ है। टे भी नहीं है मेरे पास में सर, फिर लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, खुटी नहीं है ये मेरे पास में, जमीन जायदाद भी नहीं है। हमको तो हो गया बूढ़े, यही मर गए बहुत साल के। आपका नाम? राजेश भाई। सर, आज बजरंगपुरा गांव में जनमित्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामवासी आए हैं, महिलाएं भी बहुत संख्या में आई हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी मांग की जा रही है। अधिकतर जो समस्या है वो मांग आधारित है और कुछ समस्या पेयजल के संबंध में है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि पानी दूषित हो गया है और इनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग से संबंधित, फिर बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं भी बताई गई हैं। कुछ जो इंडिविजुअल समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने संज्ञान भी लिया है और उन आवेदन पत्रों का निराकरण भी हम लोग मौके पर ही कर रहे हैं। एक शिकायत तालाब शायद है, उसकी भी जांच हम आज ही करा रहे हैं। संबंधित गांव में या कस्बे में अगर कोई नया नलकूप का खनन किया जा सकता है तो उसके लिए भी हमने सर्वेक्षण करने के लिए भेजा है। समस्याएं बहुत सारी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन शौचालय में अभी जो बात विभागीय तौर पर सामने आ रही है उसमें ये बताया गया है कि 95 से लेकर के 2005 के वर्षों में इन लोगों को शौचालय दिया गया था, मे बी कि वो टूट गए हों, तो अब उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ऐसे परिवार जिनको शौचालय का लाभ नहीं मिला होगा उनको शौचालय का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में आवास योजना का लाभ देने के निर्देश नहीं हैं और राज्य शासन से जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ हम लोग देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।